अरे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल पाठ पुस्तक के पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? विकल्प है 30, 70, 22, 97। बताना है पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही उत्तर का है 30%। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम जनसंख्या का कारण है पहाड़ी भूमि, दलदली भूमि, सघन वन भूमि या मरुस्थल। तो देखिए, राजस्थान क्या है? मरुस्थल भूमि है, बंजर है ना। सही उत्तर क्या होगा? घा, मरुस्थल। तीसरा प्रश्न, झारखंड के सारंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण है ठंडी जलवायु, दलदली भूमि, सघन वन क्षेत्र या मरुस्थल। तीसरे का सही उत्तर यहाँ पर गा होगा, सघन वन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण है खनिजों की प्रचुरता, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, पर्यटन स्थल या मनोरम जलवायु। तो चौथे का सही उत्तर यहाँ पर खा होगा, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता। पांचवा प्रश्न, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? 97%, 11%, 22% या 26%। पांचवे का सही उत्तर का होगा, 57%। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन भूमि संरक्षण का एक उपाय है? वन रोपण, अतिचारण, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग या खनन। देखिए, हम यहाँ पर भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं? वन को रोप करके, बिल्कुल सही। चारण से तो ये कम होगा, रासायनिक कीटनाशकों की, ये भी मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होगी, खनन से भी नहीं। सही उत्तर का होगा, वन रोपण। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण में सहायक नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। अतिचारण ये तो होता है, भूस्खलन ये से भी यहाँ पे मृदा निम्नीकरण होगा वनोन्मूलन से, लेकिन वन रोपण से नहीं होगा। सातवें का सही उत्तर गा होगा। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, जलवायु। बताइए यहाँ पर आठवें का सही उत्तर क्या होगा। एकदम सही, आठवें का सही उत्तर खा होगा, मृदा का गठन। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, ब्लीचिंग, समोच्च रेखीय जुताई या शुष्क कृषि। तो नौवें का सही उत्तर यहाँ पर गा होगा, समोच्च रेखीय जुताई। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मृदा की ऊपरी परत के आधार पर चट्टान तक कितने संस्तर होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर दसवें का सही उत्तर गा होगा, 3 संस्तर होते हैं। ग्यारहवां प्रश्न, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? रक्षक मेखला, फसल आवर्तन, नियंत्रित पशुचारण या अतिचारण। ग्यारहवें का सही उत्तर बताइए, घास सही उत्तर है बच्चा, अतिचारण। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है? 1/4, 1/2, 3/4 या 2/3। तो बारहवें का सही उत्तर होगा, घा, 2/3। तेरहवा प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? पहाड़ों पर, जंगलों में, रेगिस्तान में, महासागरों में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जीवन शुरू हुआ था, महासागरों में शुरू हुआ था। तेरहवें का सही उत्तर घा होगा। अगला प्रश्न, जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कृषि, उद्योग, निर्माण कार्य या घरेलू कार्य। तो जल का
सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन जल संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वृक्षारोपण, कृषि पद्धति में परिवर्तन, डोभा निर्माण या नगरीकरण? यहाँ पे सही उत्तर घा होगा, नगरीकरण। निम्न में से कौन एक वनस्पति उत्पाद नहीं है? गोंद, इमारती लकड़ी, ऊन या वन औषधि? तो यहाँ पर सही उत्तर घा होगा, ऊन जो है वो वनस्पति उत्पाद नहीं है। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन वनों का एक गौण उत्पाद नहीं है? मधु, लाह, रेशम, सागवान की लकड़ी? देखिए सागवान की लकड़ी बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ पर, उसके बाद मधु, लाह, रेशम, सागवान की लकड़ी गौण उत्पाद पूछ रखा है, गौण उत्पाद ये नहीं होता है। विश्व में पाए जाने वाली वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, सही उत्तर गा होगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वनों के विनाश का कारण नहीं है? वनोन्मूलन, वर्षा, मृदा अपरदन, दावानल? देखिए वनोन्मूलन यानी वनों को काटना ये तो कारण है, मृदा अपरदन भी कारण है, दावानल जंगलों में लगी आग को दावानल कहते हैं। वर्षा विनाश का कारण नहीं होता है क्योंकि ये तो वृक्षों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, जल की पूर्ति करता है, तो वर्षा नहीं होगा। 19वें का सही उत्तर बी होगा। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतना नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? गुमला, पलामू, लोहरदगा, लातेहार? यहाँ पर 20वें का सही उत्तर बताइए, सही उत्तर घा होगा, लातेहार में है। 21वां प्रश्न, टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973, 1972, 1975, 1974? यहाँ पर सही उत्तर का होगा, 1973 में की गई थी। और 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। नल को उपयोग के तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। खरीदारी के पश्चात पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए, नहीं जी, यहाँ पर उसे हम पुनः चक्रण प्रयोग कर सकते हैं, तो गा सही होगा, तुरंत नष्ट नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए सही गलत यहाँ पे कर लेते हैं, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। कहता है सामुदायिक भूमि व्यक्तिगत अधिकार में होती है। देखिए पहले तो बोल रहा है सामुदायिक, सामुदायिक यानी सभी का अधिकार होगा, फिर व्यक्तिगत कैसे होगा, गलत है जी। निजी भूमि व्यक्तिगत अधिकार में होती है, बिल्कुल निजी यानी व्यक्तिगत। भूमि की उपलब्धता सीमित है, बिल्कुल सीमित है। झारखंड के अधिकांश मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से हुआ है, नहीं, ये तो यहाँ पर पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे नदियों से नहीं हुआ है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय, बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधे कांटेदार होते हैं, ये भी सही है। चलिए इस प्रकार से आप सही गलत कर लीजिए, मिलान करने वाला कर लेते हैं। तो दे रखा है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि कितनी है, ये है 51%। चारागाह 4, वन तो वन यहाँ पर है 22%, और अन्य भूमि 17%। फिर से यहाँ पर है मिलान करना, भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग यह है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस, तो ह्यूमस क्या है, ऊपरी मृदा पर निपेक्षित जैव पदार्थ, यहाँ से मिलान करेंगे ई में। समुच्च रेखीय जुताई, ये होता है मृदा अपरदन को रोकना। कृषि योग्य भूमि, चौथा का क्या होगा, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। जल नवीकरणीय संसाधन, इस प्रकार से मेल कर लेना था। तो बच्चा ये था पार्ट 2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चा।